中午一期间干啥的呢？इस विषय को इतना महत्व देते हैं और क्यों इसकी चर्चा है, और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने म्यूजिक में काम किया है, 25 साल काम किया है, और ऐसे व्यवस्था में रहा है जिसने करीब से देखा है कि होता क्या है, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपको मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, ये फिल्म जब आएगी तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगी कौन इंसान है और कौन हैवान। कौन मानवता को महत्व देता है और कौन अमानवीय अत्याचार करता है। ये फिल्म एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जो हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है कि इस देश का नागरिक कैसा हो, हमारे अधिकार क्या है, समता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये जो बात है आज हम सोच चाहिए अब मैं मंच पर सबसे पहले इस फिल्म के हीरो हमारे नेता इसके बाद मैं सनी जी के आने के पहले आप आपका डांस देखेंगे, आप इस तरह का डांस नहीं किया है, मैं बोलना नहीं चाहता, आपको देखना ही आप देखिए ऊपर 2 मिनट का समय है। मैं सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग, थैंक यू कोविड, बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, इट्स वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं पहने हैं प्लीज़ पहन लीजिए। बट कैसा लगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप सोचिए, मैं अपनी कहानियाँ चूज करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ, का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ही